कहते हैं भगवान डॉक्टर का रूप होता है, लेकिन समाज की कुरीतियों को मिटाने की अगर कोई डॉक्टर ठान ले तो ये समाज में बदलाव का एक बहुत बड़ा कदम भी हो सकता है। पेशे से डेंटिस्ट डॉक्टर रिचा बंसल लंबे समय से समाज में सामाजिक सरोकार के साथ साथ कुरीतियों को मिटाने का काम भी कर रही हैं। बता दें कि जिस समाज में बेटी को एक अहम दर्जा मिला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी है जो बेटियां आज भी खुलकर अपनी समस्या को बयां नहीं कर सकते हैं। बीते कुछ सालों में बेटियों को खुलकर समाज में जीने की एक मुहिम भी देखी जाती है और इस मुहिम का नाम है चुप्पी तोड़ो। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लड़कियों में किसी भी तरह की झिझक नहीं रहे और वे अपने समाज में खुलकर जिए, इसको लेकर समाज में रिचा बंसल जैसे कई लोग हैं जो सैनिटरी नैपकिन वितरित कर इन बेटियों को एक नई पहचान दे रहे हैं। रिचा बंसल पहुंची तो थी राजसमंद की BNPG गर्ल्स कॉलेज, लेकिन यहाँ बेटियों के साथ उन्होंने जो पल साझा किया वो अपने आप में तारीफ़ काबिल हैं। बता दें कि रिचा बंसल एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान इस कॉलेज में पहुंची और यहाँ बच्चों को दांतों से संबंधित विभिन्न जागरूकता को लेकर टिप्स तो दिए, इसके साथ साथ अपने स्माइल को खूबसूरत बनाए रखने और समाज में एक खुशी की स्माइल देने के टिप्स भी रिचा बंसल ने दिए। बेटियों को नई पहचान देने के लिए रिचा बंसल ने निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए और इस दौरान उन्होंने बेटियों के मुंह से ये भी कहलवाया कि चुप्पी तोड़ो। समाज में लंबे समय से जिन बेटियों में अपनी कुछ समस्याओं को लेकर झिझक रहती थी, उसी को मिटाने के लिए, उसी को दूर करने के लिए रिचा बंसल द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित कर यह भी एक संदेश दिया गया कि किस तरह से बेटियों को अपने हक के लिए आज जिस आधुनिक समाज में हम रहते हैं, वे बेटियों के विकास के लिए, बेटियों के करियर के लिए अहम योगदान होता है और ऐसे में जब तक सामाजिक कुरीतियाँ खत्म नहीं होगी तब तक समाज में बेटी को नई पहचान नहीं मिल सकती है। रिचा बंसल को हम सलाम करते हैं कि वे समाज में एक सकारात्मक कदम के साथ लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा चैनल ऐसी सामाजिक मुहिम को लेकर सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहता है और उनकी इस मुहिम को भी हम सलाम करते हैं। I am Dr. Rita Bansal. I am a dentist, a general dentist. मैं ये session एक interactive session रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बच्चे आज जो भी मेरे से questions पूछना चाहें oral hygiene पे आगे बढ़कर पूछें। और आपने ये भी देखा कुछ लोग दोनों time brush करते हैं, उनको बहुत सारे मुँह में कीड़े लग जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। कुछ लोग एक ही time brush करते हैं, उनके मुँह में कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग कभी ये सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे थूक में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। कुछ लोगों में वो एक्टिव होते हैं, कुछ लोगों में वो इनएक्टिव होते हैं। पर अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा मीठा होता है या हम रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं तो उन बैक्टीरिया को खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं जिसके कारण वो हमारे दांत को अटैक करते हैं और कैविटीज़ हो जाती हैं। So, सबसे पहली चीज, दोनों टाइम हमको ब्रश करना चाहिए, वो एक मस्ट है। सो स्पेशली रात को सोते टाइम ब्रश करना बहुत जरूरी है। और अगर हमको थोड़ा सा भी कुछ भी दांत में प्रॉब्लम लगे तो हमको डेंटिस्ट को, डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सरसों के तेल से, लौंग से या किसी से ये चीज ठीक हो जाएगी। आपको पेन से हो सकता है थोड़ा रिलीफ मिल जाए पर बीमारी कभी भी नहीं जाएगी, इसलिए डेंटिस्ट को जाके दिखाना बहुत जरूरी है। ब्रश आप कोई भी यूज करें, आपका ब्रश करने का तरीका ठीक होना चाहिए।
ब्रश करते टाइम हमको ब्रश से लड़ाई भी लड़नी है, एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज करना है अपने हाथ का, और ऐसा नहीं करना है कि अखबार पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं और करे जा रहे हैं ब्रश, करे जा रहे हैं ब्रश, दो मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना है, और एवरी टू मंथ्स अपना ब्रश चेंज करना है। अगर आपका ब्रश दो महीने से पहले खराब हो जाता है, जैसे कि एक ही हफ्ते में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसका मतलब आप ब्रश से लड़ाई लड़ रहे हो, ब्रश नहीं कर रहे हो। सो आप ये देखो कि जो फोर्स है वो हाथ का फोर्स नहीं लगाना है, कलाई का फोर्स लगाना है। अगर आप ऐसे ब्रश करोगे तो आप अननेसेसरी फोर्स लगाओगे, जिससे कि आप अपने दांतों को घिसोगे। तो हमको कलाई इस तरह से ब्रश करना है ताकि फोर्स कम लगे, और एक सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। बाकी ब्रश कोई भी यूज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो बताया उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। मैम ने डेंटिस्ट के बारे में और दांतों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी हमें। ये जानकारी हम अपने फैमिली वालों को और अपने पास में रहने वाले लोगों को भी बताएंगे। इससे हमें होने वाले फ़ायदे, उनको होने वाले फ़ायदे कि वो आने वाली बीमारियों से उनसे बच सके। जो मैम ने पीरियड्स के बारे में बात बताई है, वो पीरियड्स के बारे में आने वाले बहुत सारी गर्ल्स बता नहीं पाती है और अपने क्वेश्चन बोल नहीं पाती है। हमें उनको क्लियर करके फिर उनसे सब बात शेयर करेंगे और उससे वो आगे अपनी पीरियड्स की प्रॉब्लम से बच सके। मेरा नाम अनम रोज है, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, और मुझे मैम ने बताया डेंटल के बारे में, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मुझे जो कुछ पता नहीं था उसके बारे में पता चला, और हाइजीन के बारे में पता चला कि क्या क्या पैड यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, और दांतों के बारे में पता चला कि कैसे ब्रश करना चाहिए, किस टाइप के ब्रश होने चाहिए, सभी के बारे में पता चला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी फैमिली को भी बता सकूँ और आगे फॉरवर्ड कर सकूँ, जिससे सबको ये हेल्प मिले। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।